आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हैदराबाद AIG हॉस्पिटल के बारे में। मैं और मेरा वाइफ हैदराबाद AIG हॉस्पिटल ऑलरेडी आ चुका हूँ और आज जो है इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ इन्फॉर्म करूँगा, आपका अगर कोई रिश्तेदार अगर कोई लीवर पेट का अगर दिक्कत में मतलब भूख रहा है, अगर बाहर बहुत ज़्यादा पैसा आप लोगों ने खर्च कर दिया है, तो आपको जो है ज़रूर हैदराबाद AIG हॉस्पिटल आना चाहिए। तो वैसे आप लोगों ने देखा कि मैं हैदराबाद AIG हॉस्पिटल गस्सी वाली में आ चुका हूँ और एक ही दिन के अंदर जो है हमारा पूरा रिपोर्ट मतलब टेस्टिंग हो गया था और नंबर 2 दिन के अंदर जो है हमारा टेस्ट का रिपोर्ट भी आ चुका था। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ का क्या कुछ मतलब आप अगर नए आना चाहते हो AIG हॉस्पिटल, आपका अगर लीवर का पेट का मतलब गैस्ट्रोलॉजी का कोई भी प्रॉब्लम है, आप अगर उनको लेके मतलब आप AIG हॉस्पिटल आना चाहते हो तो आपको जो है किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ और क्या क्या कितना खर्चा आता है। बहुत सारे लोग डराते रहते हैं कि 2.5 लाख 3 लाख रुपए तो टेस्ट के ही निकल जाते हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 तक टेस्ट तक आपका जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका बीमारी कौन सा है सिम्टम कौन सा है, तो टेस्ट के लिए उतना पैसा दे सकते हैं। मैं यहाँ पर मैं अपना बताऊंगा कि मतलब मेरा जो वाइफ है तो उनका लीवर का थोड़ा प्रॉब्लम है, लीवर के अंदर चेस्ट हुआ, ये है MRI रिपोर्ट। MRI करने के लिए आपको तकरीबन 18,000 रुपये की जरूरत है सिर्फ MRI के लिए, ठीक है। तो ये हमने MRI करवा लिया, रिपोर्ट भी आ चुका है, लेकिन डॉक्टर को अभी तक ये सबमिट नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने गलती किया था। और क्या गलती किया था वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर कहीं से भी आते हो, आप अगर आउट ऑफ इंडिया से भी आते हो, मतलब पहले तो आपको हैदराबाद एयरपोर्ट में आना है या आपको यहाँ पर जो ट्रेन स्टेशन है सिकंदराबाद वहाँ पे आना है। तो मैं फ्लाइट से आया था, तो फ्लाइट से मैं गुवाहाटी से आया हूँ, मतलब गुवाहाटी से डायरेक्ट मैंने फ्लाइट नहीं मिला मेरे को, तो गुवाहाटी से मैं डायरेक्ट कोलकाता गया, कोलकाता से मैं हैदराबाद पहुंच गया। लेकिन आप डायरेक्ट अगर कोलकाता हैदराबाद गुवाहाटी टू हैदराबाद टिकट करते तो आपको 3 से 4 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, और आप अगर 1.5 घंटा वेट करते हैं एयरपोर्ट पर तो आपको जो है 3 से 4 हज़ार रुपये बच जाता है। और मैंने सोचा कि चलो 3 से 4 हज़ार रुपये बचा लेता हूँ, तो मैंने जो कनेक्टिंग फ्लाइट लिया। कहीं से भी एयरपोर्ट हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरे तो उतरने के बाद जो है आपको टैक्सी मिल जाएंगे, और आप अगर टैक्सी वाले को सिर्फ बोल कि न्यू AIG में जाना है तो आपको जो है अभी डिपेंड करेगा आप कितने बजे उतर रहे हो। आप अगर गुवाहाटी वगैरह से आ रहे हो तो आपको जो जो भी फ्लाइट मिलता है रात के 9 बजे के बाद ही मतलब लैंडिंग होता है सब, और हम जो रात के 10 बजे लैंड हुए थे। हम टैक्सी लेके जो है AIG हॉस्पिटल जाने वाले हैं, मतलब अभी तो हॉस्पिटल तो नहीं, मतलब वो हमने एक होटल को से बात किया है, बुक नहीं किया है, तो अभी उस होटल पे जाने वाले हैं। तो देखते हैं अभी होटल कैसा होता है, क्योंकि मैंने होटल देखा तक नहीं, एक बंदे ने मुझे रिकमेंड किया था तो उस हिसाब से, और फुल आपको एक सीरीज मिलेंगे। चलिए थे और हमारा टैक्सी मिलते मिलते 10:30 बजे बज गए थे, लेकिन टैक्सी वाले ने मेरे से किराया लिया है यहाँ पर 1200 रुपये। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप अगर थोड़ा आगे आते हो सुबह के टाइम पे या दोपहर के टाइम पे तो यहाँ पर 800 से लेके 1000 रुपये तक जो है आपका टैक्सी का किराया हो सकता है, और आपको डायरेक्ट गस्सी वाली में मतलब ये AIG के पास आपको पहुंचा देगा। तो उसके बाद फ्लाइट लेने के बाद आया और मैं जिस होटल में हूँ, इस होटल का नाम है निमंत्रण होटल, ठीक है। तो यहाँ पर आप रूम कुछ उतना खास रूम नहीं है, 900 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो सर्विस वगैरह ठीक है, लेकिन टॉयलेट वगैरह क्लीन है तो उस हिसाब से मैं ठीक है रह रहा हूँ, वरना तो मैं निकल जाता। और खाना पीना के बारे में बात करें तो यहाँ पे आके आप जितना आप चाहो कि मैं आप मतलब इस होटल के अंदर आप अगर खाना खाना चाहते हो तो जितना हो जाए कि आप वेज प्रीफेयर करो, क्योंकि नॉन वेज का इतना कीमत है और उसका टेस्ट भी नहीं मिलता, अच्छा खासा भी नहीं है। मैं सच बात बता रहा हूँ, मैंने जो खाना खाया, और मैंने एक चिंगड़ी मांस बोलते हैं बेंगोली में एंड एसामिस में ईसा मांस बोलते हैं उसको, तो वो लिया था, उसके अंदर तो सीधा खोखला निकल गया, छोड़िए अब यू। तो हम आए 6 तारीख को हम आए, तो उसके बाद आया 7 तारीख, गुरुवार था ना, 7 तारीख को शुक्रवार था, शुक्रवार के दिन हम लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचा सुबह। मैंने पहले हॉस्पिटल पे बात किया था, तो आप लोग अगर कोई भी डॉक्टर दिखाना था तो 6 बजे के अंदर से जो है ये आपको ये जो फाइल है फाइल देना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मैं डॉक्टर अपना आसाम का ही डॉक्टर है, डॉक्टर मिथुन शर्मा, तो उसका PA के साथ मैंने बात किया था। बात करने के बाद तो मेरा अपॉइंटमेंट आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, कॉल करके भी ले सकते हो, अपॉइंटमेंट नहीं था मेरा तो आप लोग अपॉइंटमेंट लेके आना, बिना अपॉइंटमेंट लेके मत आना, ठीक है। तो जो है यहाँ पर आपको झंझट हो सकते हैं। तो डॉक्टर मिथुन शर्मा का जो PA, उनसे मैंने कॉल किया कि मैं आसाम से आ रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि आज आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिला तो हम ये मैनेज कर लेंगे। चलिए, उन्होंने मैनेज कर लिया। उसके बाद पहले तो आपको आके काउंटर पे अपना एक कोई भी एक ID प्रूफ देके आपको ये बना लेना है, ठीक है। इसके अंदर आपको ये सिर्फ एक फाइल मिलेगा, बाकी आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ओनली एक फाइल मिलेगा,
ये जो डॉक्यूमेंट, ये जो कागजात है, तो बाद में सिर्फ वो फाइल मिलेगा, फाइल का कीमत लेगा 100 रुपये। तो उसके लेने के बाद आपको जो वहां पे बता दिया जाएगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है, उस हिसाब से आपको जो है डिपार्टमेंट दिखा दिया जाएगा, आपको जाना किधर। लिबर का अगर हो गया तो वो आपको एम में भेजेंगे, अगर आपको और कोई दिक्कत है तो उधर मतलब हॉस्पिटल के अंदर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर के अंदर आपको भेज दिया जाएगा। जस्ट लीवर का प्रॉब्लम तो एम में भेजा हमें, तो भेजने के बाद पहले तो आपको एक जगह पे जाना है, वहां पर आपका हाइट वगैरह, वेट वगैरह एंड आपका मतलब बीपी वगैरह ये लेंगे। उसके बाद आपको काउंसलिंग किया जाएगा। काउंसलिंग के अंदर आपका जो बीमारी निकला है, कब से है, कैसे है, इससे पहले क्या किया था, मतलब आपका जो पूरा बीमारी का उसका जो है पूरा हिस्टोरी लिया जाएगा और नोट डाउन करेगा एक डॉक्टर। उसके बाद जो है आपको जिस भी डॉक्टर को दिखाना है, या अगर हॉस्पिटल से किसी भी एक डॉक्टर को आपको डॉक्टर के पास आपको मतलब ये भेजा है, मतलब आप अगर चूज करके, जैसे हमने चूज करके आए, तो आप अगर चूज करके नहीं आए तो किसी एक डॉक्टर के पास तो भेजा होगा आपको, तो उस डॉक्टर के पास जो है आपको जाना है, उधर ही आपको मिल जाएंगे, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। और मतलब थोड़ा बहुत धीरज रखना है, पेशेंट उतर उतना वो करके फायदा नहीं है। तो सीधे आपको डॉक्टर बोलेंगे, डॉक्टर के पास जाना है, जैसे कि हम गए, तो जाने के बाद जो है डॉक्टर आपसे पूछेंगे कि क्या क्या हुआ है, एक बार बताने के बाद थोड़ा बहुत डॉक्टर सीधा आपको जो है टेस्ट लिख के दे देंगे, क्योंकि डॉक्टर जो डायरेक्टली तो आपको दवाई नहीं देंगे, तो टेस्ट के अंदर आपको टेस्ट करवाना है। टेस्ट करवाने का सिस्टम क्या रहता है? टेस्ट है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा जिस दिन आप डॉक्टर विजिट करने जाते हो, मतलब डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए जाते हो, तो आपको पूरा जो है खाली पेट जाना है, कुछ भी नहीं खाना है, फास्टिंग पे जाना है। आप कोई भी टेस्ट करोगे तो आपको फास्टिंग का ज़रूरत होगा, जितना भी टेस्ट होता है, तो यह बात ध्यान रखिएगा। पहले जैसे कि हमारे इधर 4 टेस्ट दिया था ना, तो 4 टेस्ट दिया था। एक तो दिया था एमआरआई एंड उसके बाद क्या था वो इंडोस्कोपी एंड 3-4 ब्लड मतलब हाँ 3-4 ब्लड रिपोर्ट का वो दिया था, ब्लड टेस्ट के यूरिन वगैरह कुछ तो था, मतलब वो सब छोड़ दीजिए, तो दिया था। तो वो मेरे को सारा दिन मतलब एक दिन टेस्ट करवाने में चला गया। सुबह 10 बजे डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने 10 बजे मुझे चेकअप दिया। उसके बाद सारा दिन रात के 9 बजे मेरा मतलब सॉरी रात के 1 बजे मेरा एमआरआई कंप्लीट हुआ। जी हाँ दोस्तों, मतलब मेरा तो नहीं, मेरा बीवी का एमआरआई रात को 1 बजे कंप्लीट हुआ, और वहां से आ गए। और पूरा जो है सैटरडे के दिन हम होटल पे ही रहे, मतलब होटल पे ही रहे। उसके बाद सैटरडे शाम को 7 बजे हम डायरेक्ट हॉस्पिटल चले गए, उधर जाके ये सभी रिपोर्ट वगैरह सब इधर आया दिया हुआ है, ये सब रिपोर्ट वगैरह यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, जितना भी रिपोर्ट वगैरह है ये रिपोर्ट वगैरह हमारे पास आ चुका है। तो मेरे पास अभी हाथ में पूरा रिपोर्ट पड़ा हुआ है। तो अभी जो है डायरेक्टली हमें कल, आज तो संडे है, तो कल सुबह 10 बजे मुझे डायरेक्ट हॉस्पिटल पे जाना है, और एक रिपोर्ट आना, बाकी वो कलेक्ट करना है, कलेक्ट करके जो डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है, और उसके बाद डॉक्टर क्या बोलते हैं उसके बाद हम बाद में बताएंगे। तो पहले आज का ये पहला वीडियो था कि कैसे क्या होता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आया हुआ हूँ अभी। और लोग बोलते हैं कि ओल्ड AIG या न्यू AIG के अंदर फर्क क्या है, तो देखो ओल्ड AIG या न्यू AIG के अंदर फर्क कुछ नहीं है। ओल्ड के अंदर आपको जो है न्यू के अंदर वही मिलेगा, कुछ डॉक्टर का ही फर्क है बस। और यहाँ का जो डॉक्टर है सभी हाई क्लास डॉक्टर है, कोई ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डॉक्टर है, एकदम छोटा मोटा डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड AIG ओल्ड AIG के अंदर क्या था, जो मशीन वगैरह वो थोड़ा पुराना हो चुका है, यहाँ का नया है, तो इस वजह लोग भी इधर प्रीफेयर करते हैं ज्यादा। और यहाँ पर मतलब बैठने का इंतजाम वगैरह अच्छा है, और लिप वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या हुआ मेरे बीबी के साथ और क्या कुछ है। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए आज के ये वीडियो था। वीडियो था, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, भारत माता की जय।